अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैम अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, किस किस का लेक्चर है अभी इस टाइम पे? मैम मेरा मेरा भी मैम इस्मा शान से नो मैम, मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा मेरा है, मेरा भी है। कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों, ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं ये बताएं मुझे। मैम अभी तो ज्वाइन ही बहुत कम बच्चों ने किया है, अभी तो बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं। मुझे तो बस 4 स्टूडेंट्स का ईमेल आई थी कि हमारा लेक्चर है अभी इस टाइम पे। बच्चों जिनका लेक्चर है वो अपना लेक्चर अटेंड कर ले, मैं इसके अभी पढ़ा के आप लोगों को दोबारा ये लेक्चर पढ़ा दूंगी, ठीक है? मैम अटेंड जी अटेंडेंस का क्या होगा? अटेंडेंस भी लग जाएगी, ठीक है? मैं कह रही हूँ आप लोग अपने लेक्चर अटेंड करें। जी जी मैम, आज आपने मतलब कि 3:30 क्लास रखी है ना, तो वैसे हमारी 5 बजे होती है, तो वही पूछ रही थी कि आज इस टाइम क्यों? इस टाइम क्यों? यस मैम, वो डेली हमारी 5 बजे हो रही थी ना। बच्चे आगे 5 बजे होगी बस आज के लिए जस्ट। हाँ ओके मैम, मतलब कि नेक्स्ट में भी 5 बजे होगी, सिर्फ आज ही है? हाँ सिर्फ आज के लिए। ओके मैम थैंक यू। ठीक है यस मैम। अच्छा बच्चों, आप लोग बड़ी ईमेल्स कर रहे हैं कि बड़ी आप लोगों के साथ अनफेयर क्विज आप लोगों से लिया गया है। जो हैं वो हमारे साथ क्विज नहीं ले रही है, वाइवा हम लोग दे नहीं सकते। वेरी गुड मैम, वो एक्चुअली ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि वाइवा अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाते। हम लोगों ने क्विज की अच्छी तैयारी की थी, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ना मैम बहुत ज्यादा मीन्स इंटरनेट भी बहुत इश्यू करता है। लेकिन बेटा बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे ये भी ईमेल आ रही है, ठीक है, कि क्विज जो है कि मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया वाइवा की, ठीक है? तो फिर सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स का अगर हो जाता है, मेजॉरिटी कह रहे हैं कि आप रीटेक ले लें। मैम हम कह रहे हैं कि आप यस मैम, आप बेस्ट वन चूज कर लें, चूज बेस्ट कर ताकि हमारा ना हो जाए। मैंने रीटेक जो है वो वाइवा में ही लेना है, ठीक है? बाकी आप लोगों के जो इशू है मैम, फिर अब थोड़ा सा वाइवा क्या आगे कर दे, क्योंकि हमारे संडे को भी ट्यूज है हमारे। यस मैम, थोड़ा सा टाइम दे दें उसके लिए। 10 जून के बाद फिर आपका होगा। 10 जून के बाद? किस दिन के बाद मैम? 10 जून के बाद। ओके मैम, ओके मैम थैंक यू। 10 जून तक आप में से कोई एक स्टूडेंट फोन मुझे फाइल कंपाइल करके देगा, 10 तक आप मुझे सब ईमेल करें, मैं आप ठीक है, और उसके बाद फिर आप सबका वाइवा हो जाएगा जिस जिसने देना होगा रिटेक, ठीक है? 10 जून तक टाइम है आप सबके पास। और मैम रीटेक की पॉलिसी 50% पे होगा? नहीं बेटा कोई पॉलिसी नहीं, सिंपल रख लूंगी जस्ट, ठीक है? ओके मैम थैंक यू। मैम थैंक यू, एक और फेवर आप लोगों के लिए। थैंक यू मैम, एक फेवर ये भी दे दें कि अगर हम वाइवा में पूरा आंसर नहीं कर सके तो मैम थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिएगा। चलिए मुझे जो वाइवा को वो तब देखेंगे मैम, क्योंकि वाइवा में फौरन आंसर नहीं दिया जाता तो टीचर्स उस पेज पे नंबर बेटा वो देखेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया होगा कि जो वाइवा का रीटेक देंगे उनके वाइवा के मार्क्स भी कंसीडर होंगे, ठीक है? मैम हम लोग वाइवा से इसीलिए ही डरते हैं कि अगर हम एकदम से आंसर ना कर सकें तो हमारी मार्किंग अच्छी नहीं होती, इसलिए हम लोग क्विज को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो आप लोगों का फाइनल है, ठीक है?
आप लोग वेट कर लें, 10 जून तक मुझे ईमेल कर दें जिसने वाइवा। अभी मेरे दो स्टूडेंट्स की ईमेल आई है, बस दो या तीन की है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों का जो उसमें क्रिएटिव रख लूंगी वाइवा एक दिन, मैं आप लोगों का जो भी स्टूडेंट्स होगा उनका वाइवा हो जाएगा जिस जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक सेक्शन एक भी इसी टाइम क्लास होगी बेटा? नहीं, जस्ट आज के लिए, जस्ट आज के लिए। मैम हमारी फूड ला के भी अभी क्लास है ना, तो इसलिए पता है। तो मैंने कहा आप लोग अटेंड करें वो क्लास, ये मैं आप लोगों को इसके बाद पढ़ा दूंगी, दोबारा लेक्चर पढ़ा दूंगी जिस जिसका मिस हो गया। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि बैक्टीरियोफेजेस वो पार्टिकल्स हैं, वो हैं जिसमें वायरस जो है वो इन्फेक्ट करते हैं किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है, और उसमें हमने प्रीवियस ये भी डिस्कस किया था कि इसके दो फेजेस होते हैं, एक लिटिक फेज होता है और एक लाइसोजेनिक साइकिल होता है। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, लिटिक साइकिल क्या है और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है। ठीक है, बेसिकली इट्स इंक्लूड्स अ फाइव कंपोनेंट बेसिकली। फर्स्ट इज एडॉप्शन, सेकंड पेनिट्रेशन, थर्ड सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट, फोर्थ इज मैच्योरेशन असेंबली, एंड फिफ्थ वन इज द रिलीज ऑफ द प्रोजेनी वायरसेस। ठीक है, इट मींस सबसे पहले वायरस जो होगा वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की सरफेस पे आकर एब्जॉर्ब होता है, देन उसके अंदर क्या करता है, पेनिट्रेट कर जाता है। जब उसके अंदर प्रोजेनी उसके जीनोम में पेनिट्रेट करता है तो उसके वहां पे वो रेप्लिकेट करके अपने कंपोनेंट्स बनाता है। जब उसके न्यू कंपोनेंट्स बन जाते हैं तो वो उसकी मैच्योरेशन, वो उनके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स की कैप्सिड है बनता है, एनवेलप बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं, उनकी असेंबली होती है और मैच्योर वायरस वहां से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो रेप्लिकेशन ऑफ वायरस साइकिल है उसको हम डिवाइड करते हैं फाइव सिक्वेंशियल स्टेप के अंदर। ठीक है, हियर इज द एड्सॉर्प्शन। ठीक है, जो फेज पार्टिकल है वो रैंडम कोलाइजन या फेज के साथ सेपरेट साइड्स के साथ जो कि होस्ट की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं तो वो टेल फाइबर्स के साथ उसमें क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, देन जब उसकी एड्सॉर्प्शन हो जाती है उसके बाद जो उसकी टेल शीट्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उसके बेस प्लेट जो होते हैं उसकी सेल वॉल को फर्मली बाइंड कर देते हैं। जब वो उसके साथ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पुश करता है होलो कोर को, और होलो कोर जब उसमें प्रोड्यूस होता है तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, वो पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, यह सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है म्यूरामाइडेज जो क्या करता है, बेसिकली सेल वॉल को वीकन करता है बेस प्लेट के साथ, और इजीली वो इस वायरस होता है वो पेनिट्रेट करता है। ठीक है, तो म्यूरामाइडेज इज एंजाइम दैट वीकन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ द वायरसेस। ठीक है, इसके बाद जो वायरस की मेम्ब्रेन उसका न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो होलो ट्यूब में पास करता है, और सिरिंज लाइक फॉर एग्जांपल हम सिरिंज इंजेक्शन पास करते हैं सिरिंज के थ्रू, और उसके बाद उसका हेड और उसके टेल जो होती है वो उसके आउटसाइड ही रह जाती हैं, और उसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो पेनिट्रेट करने के बाद वहां पे अपने फेज कंपोनेंट्स क्या करता है, सिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, वायरल जीनोम जो होता है वो डायरेक्ट मशीनरी करता है होस्ट सेल की, वायरल कंपोनेंट्स में बनते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स बनते हैं, सबसे पहले कुछ अर्ली प्रोटीन्स होती हैं। आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया के मल्टीपल वायरसेस आ गए हैं। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, एक वायरस वो क्या करेगा, अपने जिन फेज कंपोनेंट्स बनाएगा, देन उनकी असेंबली और मैच्योर होकर उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। ठीक है, तो फेज कंपोनेंट्स में क्या होगा, एनवेलप प्रोटीन्स बनेंगी, ठीक है, कोर प्रोटीन्स बनेंगी, न्यूक्लियाई बनेंगे, और ये सब क्या है, इसके सब यूनिट्स हैं उसके वायरस के फेज कंपोनेंट्स के। एट द एंड क्या होगा, जब उसके सब मैच्योरेशन हो उस बात का होगा, उनकी असेंबली होगी हेड प्रोटीन्स की, टेल प्रोटीन्स की, और एट द एंड जो वायरस जो होगा वो मैच्योर होकर उसमें से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसको ही आप देख सकते हैं कि जब उसके अंदर मल्टीपल कॉपीज बन गई हैं तो वायरस क्या होगा, उसमें से वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, द प्रोजेनिक फेज इज रिलीज बाय द लाइसिस ऑफ द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। हमने फर्स्ट में बात की थी कि जो म्यूरामाइडेज उसके सेल वॉल को फीड करते हैं, तो यहाँ पे भी जब फेज कंपोनेंट्स बन जाते हैं उन्हें रिलीज होना होता है, तो फिर वहाँ पे म्यूरामाइडेज उसके सेल वॉल को फीड करता है, उसमें से मल्टीपल कॉपीज जो होती हैं वो उसमें से रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, तो म्यूरामाइडेज कंसंट्रेशन राइजेस इन द लेट स्टेज ऑफ द ग्रोथ साइकिल, डैमेज सेल वॉल कॉजिंग लाइस ऑफ द सेल विद रिलीज ऑफ द प्रोजेनिफेज। ठीक है, तो मींस के स्टार्ट पे भी इसका रोल होता है म्यूरामाइडेज का, और एंड पे भी जो सेल वॉल की ब्रेकडाउन करते हैं वो कौन करते हैं, म्यूरामाइडेज कर देते हैं। दीज आर द फाइव बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द
lytic cycle, adsorption, penetration, phage component synthesis, maturation, assembly, and the end is the release of the virion products. ठीक है. Now here is the eclipse phase. Basically अब हम बात करते हैं कुछ phases होते हैं. ठीक है, आपको sometimes क्या होता है कि कोई bacteria, virus हमारी bacteria host के अंदर है, but उसका क्या होता है वहाँ पर disease cause नहीं करा, तो हम कहते हैं incubation phase है. Sometimes क्या होता है कि उससे कुछ time required होता है, कुछ weeks और months required होते हैं इसके लिए disease cause करने के लिए. ठीक है, तो इस eclipse phase तो अगर हम बात करते हैं. जी जी मैम, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा माइक पास कर लेंगी प्लीज. अच्छा ठीक है. जो एक्लिप्स फेज होता है बेसिकली टाइम इंटरवल होता है बिटवीन द एंट्री ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू द बैक्टीरियल सेल टू द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट इंफेक्शियस इंट्रासेलुलर फेज पार्टिकल. ठीक है, तो क्या है कि वायरस जो है वो क्या क्या है फेज में उसकी एंट्री होगी उसकी न्यूक्लिक एसिड की, और जो फर्स्ट इंफेक्शियस उसका फेज बनता है, न्यू प्रोडक्ट जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं एक्लिप्स फेज कहते हैं. ठीक है, because viruses cannot detected within the host cell during this period. okay, kya isme hum usko detect nahi kar sakte, kyun? kyunki virus jo hai wo apna genome uska nucleic acid ki kya ho jayegi, breakdown ho jayegi. jab tak new components nahi banenge, new infectious particle nahi banega until unless kya we cannot detect the viruses into the host cell. theek hai, to now eclipse phase is the time interval between the entry of the phage nucleic acid into the bacterial cell until the appearance of the first infectious agent. ठीक है, now latent period is the interval between the infection of host cell and sudden increase in the extracellular virus. ठीक है, क्या है था कि इसमें ये कि वायरस जो है उसने host cell को infect तो कर दिया है और फौरन से उसने multiply किया है, और साथ ही उसका जो extracellular या blood जो वायरस है उसमें उसका level जो हो गया वो क्या हो गया increase हो गया, means उसकी further progeny जो उसके virions बन गए हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों latent period कहते हैं. ठीक है, सेकंड जो है इसका वो लाइसोजेनिक साइकिल है. लाइसोजेनिक साइकिल जो है इसमें भी क्या होता है कि जो फेज है वो होस्ट के सेल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर जाता है, मींस कि जो पूरा का पूरा जीनोम है उसको ओवरकम कर लेता है. ठीक है, जब उसे क्रोमोसोम इंटीग्रेट करता है तो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर, बट वो बैक्टीरियल के सेल की लाइसिस नहीं करता. प्रोफेज जो होता है विरुलेंट या लिटिक फेज में इजिली कन्वर्ट हो जाता है इसके थ्रू फिजिकल और केमिकल एजेंट्स, मीन्स के बैक्टीरिया को जब हम कोई यूवी लाइट देते हैं या कोई केमिकल्स हाइड्रोजन परऑक्साइड या उसका इंट्रैक्शन होता है तो उसके थ्रू क्या होता है जो वायरस है जो फेज है वो इजीली उसके क्रोमोसोम में क्या हो जाता है इंटीग्रेट कर जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उसके सेल वॉल की ब्रेकडाउन नहीं करेगा, उसकी लाइसिस नहीं करेगा, जस्ट वो क्या करता है कि स्पॉन्टेनियसली जो फिजिकल और केमिकल एजेंट्स हैं उनके थ्रू उसमें इंटीग्रेट कर जाता है. ये है बच्चों यहाँ पे दोनों फेजेस का बताया गया है. ठीक है, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं डीएनए की जो कि क्या है लैम्डा. ठीक है, ये लैम्डा प्रोफेज है, लैम्डा फेज है जिसमें डीएनए है, और वो सबसे पहले क्या करेगा ये बैक्टीरिया है, हियर इज द बैक्टीरियल डीएनए बैक्टीरियल सेल वॉल, तो लैम्डा फेज क्या करेगा इसके साथ अटैच करेगा. ठीक है, और ये बच्चों इसकी अटैचमेंट हो रही है. ठीक है, अटैचमेंट के बाद क्या है जी, अटैचमेंट के बाद फेज डीएनए में क्या कर जाएगा पेनिट्रेट कर देगा. ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी पेनिट्रेशन होगी. क्या होगी बच्चों इसकी पेनिट्रेशन होगी. ठीक है, जैसे हमने कहा था ना किस तरह से पेनिट्रेट करते हैं कि जिस तरह स्ट्रेंज हम इंजेक्शन लगाते हैं. ठीक है, अब क्या होगा जब उसका डीएनए में वो पेनिट्रेट कर गया तो इसकी क्या होगी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, इसकी क्या हो जाएगी रेप्लीकेशन हो जाएगी, इसकी प्रोटीन्स बन जाएंगी, ये प्रोटीन्स की फर्दर जब असेंबली होगी तो फेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, फेज के साथ जब वो म्यूरामाइडेज सेल वॉल की को क्या करेगा वीक करेगा तो इसकी मल्टीपल कॉपीज यहाँ से क्या हो जाती हैं रिलीज्ड हो जाती हैं. तो बच्चों ये क्या है इसका लिटिक साइकिल है. ठीक है, इसी तरह से अगर क्या है कि लाइसो क्या था यहाँ पे वो पेनिट्रेट कर गया, बट हमने कहा था कि जो लाइसोजेनिक क्रोमोसोम है उसमें डीएनए जो है वायरस का वो किसमें पेनिट्रेट करता है उसके क्रोमोसोम के अंदर. ठीक है, उसे क्रोमोसोम में पेनिट्रेट कर दिया है वो बैक्टीरियल का डीएनए या फेज डीएनए बन गया, ये फेज डीएनए दोबारा से इसको इंजेक्ट कर दिएगा और उसकी जो मल्टीपल कॉपीज जो होंगी वो दोबारा बन जाएगी, मीन्स के दोनों साइकिल्स जो है वो साइड बाय साइड भी रन हो सकते हैं. ठीक है, एक फर्स्ट वन कौन सा है वो लिटिक साइकिल है. ठीक है, और सेकंड कौन सा है वो लाइसोजेनिक साइकिल है. मीन्स आप वी कैन से दैट कि लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है वो एट द एंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, क्लियर है.
ये भी वही एग्जांपल है, टी फोर वो लैम्डा फेज की थी, यहाँ पे जो एग्जांपल है वो टी फोर है। सबसे पहले वही है कि अटैचमेंट होगी रिसेप्टर साइट्स के साथ, देन एंट्री है और वो डिग्रेड कर देगा होस्ट के डीएनए को, एट द एंड पे सिंथेसिस हो जाएगी वाइल्ड जीनोम की, फिर असेंबली हो जाएगी और असेंबली होने के बाद उसकी जो न्यू प्रोटीन होंगी वो वहां से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ये भी बच्चों वही चीज है जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया, ठीक है। सेम वही है, जस्ट यहाँ पे भी वही है कि फेज क्या था, ये फेज है, फेज डीएनए इंजेक्ट करेगा अपने डीएनए को बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर, जो उसमें इंजेक्ट कर जाएगा तो वो उसके डीएनए में सर्कुलराइज कर देगा, मीन्स उसके जीनोम में उसको ओवरकम कर लेगा, ठीक है। अब क्या होता है वो डिपेंड, यहाँ तक तो सेम है, अब डिपेंड करता है कि क्या वो लिटिक साइकिल में इंड्यूस्ड होगा या फिर वो लाइसोजेनिक में इंड्यूस्ड होगा, इट्स डिपेंड ऑन द फैक्टर्स, ठीक है, मीन की फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन के आफ्टर द स्टेप के जो फेज है वो एदर इट कन्वर्ट्स ऑन द लिटिक साइकिल और इट्स एंटर्ड ऑन द लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। अगर वो लिटिक में आएगा तो वही सारे प्रोटीन बना के वो रिलीज हो जाएगा, बट अगर वो लाइसोजेनिक साइकिल में आएगा तो फर्दर वो डीएनए को इंटीग्रेट करता है, उसके बाद उसके डीएनए की फर्दर टू कॉपीज बनाता है, ट्रांसमिट करता है अपने डॉटर सेल्स के अंदर, सेल डिवीजन से वो मल्टीपल अपने पॉपुलेशन बैक्टीरिया की बना देता है, या फिर ये जो प्रोफेज होता है वो दोबारा से किसमें आ जाता है, लिटिक साइकिल में आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें वो जब अपने डॉटर सेल्स बनाते हैं तो डॉटर सेल्स जो होते हैं, मल्टीपल डॉटर सेल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और मे बी वन डॉटर सेल जो होते हैं वो फर्दर आगे लिटिक साइकिल इंड्यूस कर देता है या उसको इनिशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है लिटिक साइकिल वर्सेस द लाइसोजेनिक साइकिल, क्लियर। अब जब इतने ज्यादा बॉडी के अंदर प्रोफेजेस आ जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, टी सेल्स या बी सेल्स, वो भी एक्टिव हो जाते हैं और वो इनको क्या करते हैं, किल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जब वायरस जो होगा उसकी मल्टीपल बैक्टीरियोफेज या प्रोफेज की जो मल्टीपल कॉपीज हैं वो होस्ट सेल में रिलीज हो गई हैं, तो देन हियर इज द इंटरेक्शन ऑफ द वायरस विद द होस्ट सेल, ठीक है। किसके बाद वायरस जो है वो किस तरह से होस्ट के सेल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो सबसे पहले क्या होती है बच्चों, इनकॉर्पोरेशन है, वही चीज है कि जो उसका न्यूक्लिक एसिड है वो होस्ट क्रोमोसोम में क्या करे, इनकॉर्पोरेट करता है, देन वो वहां पे क्या करेगा, होती है रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये सेम वही चीज है, आई थिंक बार बार एक ही चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देन वो लाइसोजेनिक कन्वर्जन में आ जाता है कि प्रोफेज जो होता है वो अपनी न्यू प्रॉपर्टीज लेता है सेल के ऊपर, वो कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर देता, और समटाइम्स ये होता है कि कुछ ट्रेड्स, जो ट्रेड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक, सम ट्रेड्स जो होती है वो एक्सप्रेस हो जाती है, कुछ इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं उनमें न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, क्यों, क्योंकि इसलिए आती है क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया की दोनों जीनोम जो होते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वायरस की आ जाती है और सम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बैक्टीरिया की होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस पाजिनेस मैन्युफैक्चर टॉक्सिंस रिजल्टिंग इन द स्कारलेट फीवर, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल की अगर किसी स्कारलेट फीवर है तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस पाजिनेस ऐसा बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं वहां पर डिफरेंट टॉक्सिंस प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि होस्ट जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि उसको किस रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। सिंगल बैक्टीरियल स्पीशीज जो होती है वो सिंगल फेज के लिए होती है, और सम फैक्टर्स जो होते हैं वो उसको लिमिट भी कर देते हैं, ठीक है। जो टू इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो है वो दो हैं, एक तो ये कि फेज जो होता है वो अटैच कर सकते हैं होस्ट के रिसेप्टर्स के साथ, और सेकंड वन इज द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम द होस्ट सेल मस्ट ओवरकम, क्योंकि करता है कि होस्ट जो ह्यूमन है या होस्ट सेल है उसके रेप्लिकेशन सिस्टम या उसके रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है या जिसका न्यू सिस्टम है उसको वो ओवरकम कर लेता है, ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। नो मैम जी, ठीक है। अच्छा जी, होस्ट रेंजेस ऑफ द फेजेस, ठीक है। रिसेप्टर्स ऑन बैक्टीरियल सरफेस, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने कहा, दो या तो रिसेप्टर्स आर इंपॉर्टेंट एंड सेकंड इज द रिस्ट्रिक्शन सिस्टम, ठीक है। तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वेरी ऑब्वियसली वेरी करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर में, लोकेशन में, यूजुअली बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल, बट इट्स साइट्स कैन बी ऑल्टर्ड बाय द टू मैकेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल फॉर म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन क्या होती है, चेंज इन द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, ठीक है।
म्यूटेशंस के थ्रू अगर रिसेप्टर्स के साइड में चेंजेस आ गए, अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो गई हैं, तो क्या होगा कि बैक्टीरिया जो अपना फेज है वो सरफेस के साथ बाइंड नहीं करेगा. देन लाइसोजेनाइज बैक्टीरिया कैन ऑल्टर सेल सरफेस रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ द रिसेप्टर साइट. के जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया बना जिसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों का जीनोम जो है उसने न्यू डीएनए बना दिया, ठीक है. तो ऑब्वियसली उसमें भी इसके रिसेप्टर्स में क्या आ गया, चेंज आ गया, उसमें न्यू प्रोजेनी न्यू बन गई है. तो इससे भी क्या हो सकता है कि रिसेप्टर साइट की ऑल्टरेशन हो सकती है, ठीक है. सेकंड था कि रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि एंडोन्यूक्लियस को कोट करते हैं और बेसिकली अटैच करते हैं मिथाइल ग्रुप डीएनए रिकॉग्नाइज बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है. क्या होता है अगर आप यहाँ पे बच्चों देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक फेज डीएनए, ठीक है. वो बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले वो अटैचमेंट हुई है फेज डीएनए अपना, उसने डीएनए क्या अपना इसमें पेनिट्रेट कर दिया. अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो रेप्लिकेट करेगा और न्यू कॉपीज भी बना देगा. बट अगर फेज डीएनए के अंदर मिथाइलेटेड ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप नहीं है तो उसमें क्या हो सकता है कि जो मिथाइल प्रोटीन्स हैं वो बैक्टीरियल डीएनए के प्रोटीन से बाइंड नहीं करेंगे, तो नो फेज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है. यहाँ पे क्या है कि जो फेज डीएनए उसमें मिथाइलेटेड ग्रुप है तो फेज रेप्लिकेट करेगा और उसमें मिथाइलेटेड डीएनए होगा इसका इक्वलाइ के हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है. तो ये क्या है, ये है होस्ट रेंज ऑफ फेज रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. तो इसमें सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन यही है कि जो मॉडिफिकेशन एंजाइम्स हैं वो अटैच करते हैं मिथाइल ग्रुप के साथ, ठीक है, ऑफ डीएनए. तो अगर वहां पे मिथाइल ग्रुप होगा तो डीएनए जो होगा रेप्लिकेट कर जाएगा और एट द एंड क्या वहां पे फेज के डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाएंगे. इसके बाद है बच्चों ट्रांसडक्शन. बेसिकली डीएनए का जो अगर तो पूरे का पूरा डीएनए जो है वो उसके बैक्टीरिया के डीएनए में पेनिट्रेट कर रहा है उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन. इसमें हम बैक्टीरिया के जीन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कुछ जीन्स जो होती हैं, और लेकिन जो स्पेशलाइज होती है उसमें कुछ जीन्स ट्रांसफर होती हैं. बट इन द जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन होल जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू द डीएनए, ठीक है. सेम हेयर, ये क्या है कि बच्चों यहाँ पे वायरस है, इसका डीएनए आया. अब यहाँ अगर तो पूरे का पूरा डीएनए जो होगा वो उसके जीनोम इंसर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसने क्या करेगा, सारा जीनोम ऑल्टर हो जाएगा, जो न्यू प्रोटीन्स होंगी वो भी क्या डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगी, ठीक है. इस तरह के बच्चे जो ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म है वी कैन यूज इट इन द फॉर्मेशन ऑफ द वैक्सीनेशंस, ठीक है. हम वैक्सीन्स बनाने के लिए यूज करते हैं, प्लाज्मिड्स बनाने के लिए यूज करते हैं कि जहाँ पे हम जीनोम्स को चेंज कर देते हैं ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट जो वो हमारे पास अवेलेबल हो जाए, ठीक है. क्लियर है, तो ट्रांसडक्शन इज बेसिकली कैप्सिड और टेल उसकी बाहरी रहेगी, जस्ट उसका डीएनए इंसर्ट होगा, ठीक है. ये फेज डीएनए जो होगा हो सकता है कि पूरे का पूरा डीएनए जो बैक्टीरिया उसको इनकॉर्पोरेट कर दे जीनोम को. समटाइम्स ये होते हैं कुछ फ्यू स्पेसिफिक जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, जिससे हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि हमने कोविड की वैक्सीन बनानी है, ठीक है. तो क्या होगा, कैसे वैक्सीन बनती है, वैक्सीन के एंटीबॉडीज हैं. तो हमने क्या किया, यही किया है कि जो कोविड वायरस है उसका जीनोम लेके हमने फॉर एग्जाम्पल रैबिट या माइस या किसी बैक्टीरिया में उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है. अब हमें डिजायर्ड कंपोनेंट चाहिए, जस्ट कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज चाहिए, तो जस्ट हम कुछ स्पेसिफिक जीन्स होंगे वो ट्रांसफर करेंगे, ठीक है. तो वो जब उसकी स्पेसिफिक जीन्स को हम ट्रांसफर करते हैं तो वो जब उसके जीनोम में जाएगा तो वो जीनोम क्या करेगा बच्चों, रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करने के बाद उसकी डिफरेंट वहां पे मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है. क्लियर, वो मल्टीपल कॉपीज वहां से रिलीज हो जाएंगी, फिर अगेन एक जो न्यू फेज जो होगा वो बैक्टीरिया की सरफेस अटैच करेगा और फिर दोबारा से वो उसके जीनोम को इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है. तो ये क्या है, ट्रांसडक्शन जो जनरलाइज भी हो सकती है और स्पेशलाइज भी हो सकती है, ठीक है. इसके बाद है बच्चों इस बैक्टीरियोफेज की सिग्निफिकेंस क्या होती है, कि क्यों इसको हम यूज कर सकते हैं. एक तो ये कि फेज टाइपिंग में यूज कर सकते हैं, फेज टाइपिंग इज द बेसिकली टेक्निक टू डिटेक्शन ऑफ द मल्टीपल बैक्टीरिया, ठीक है. ये मींस कि हम डिफरेंट जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन हैं उनको डायग्नोज उनको चेक कर सकते हैं, उनको डायग्नोज कर सकते हैं. हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कर सकते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफी, पैराटाइफी, स्टेफ ओरियस, तो हम फेज टाइपिंग से इनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं. इंट्रा स्पीशीज टाइपिंग भी कर सकते हैं बैक्टीरिया की, जिसमें अगर हमने कॉलरा को डिस्टिंग्विश करना है उसकी डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है.
तो इस तरह से ये कि हम इनके अगेंस्ट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बना लेते हैं, और उनका जब हम रिएक्शन करवाते हैं, एग्लूटिनेशन करवाते हैं, तो उसमें हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्लम्पिंग हो रही है, कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, बेसिकली जो वायरस जो बैक्टीरियाज है वो हमारे पास क्या है, एंटीजेंस है. ठीक है, तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेज की ससेप्टेबिलिटीज को चेक कर सकते हैं, कि क्या आप एपिडेमियोलॉजी का स्टडीज कर सकते हैं फेज टाइपिंग के थ्रू. बेसिकली फेज टाइपिंग इज एस्ट्रोलॉजिकल टाइपिंग. ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था, लेक्चर 7, 8, 6, 7, 8, जिसमें हमने डिफरेंट स्टडी लैब टेक्नोलॉजी के जो लैब के जो थे प्रोसीजर्स थे उनको डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये बेसिकली फेज टाइपिंग जो है वीकोलेरा, साल्मोनेला टाइफी, पैरा टाइफिस और स्टेफोलिस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. नाउ फेज ऐसे क्या होते हैं, फेज ऐसे जो होते हैं इसको हम अप्लाइड करते हैं कल्चर के ऊपर. क्लियर जोन्स अपीयर होते हैं कि क्योंकि हम कल्चर क्या है, बेसिकली कल्चर यही है कि हमने क्या स्पेसिफिक ग्रो करवाते हैं किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक अगर ऑर्गेनिज्म जो हो गया तो उसको हम स्पेसिफिक टाइम के लिए इनक्यूबेट करते हैं, उसके डिफरेंट प्लेक्स या वो वहाँ पे शो करता है अपनी ग्रोथ को शो करता है. और फेज ऐसे जो होता है वो टाइट्रेट करता है नंबर ऑफ वायबल स्टेजेस, कितनी नंबर से कितनी क्लोनियस जो होती है वो उस फेज की या उस बैक्टीरिया की वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों टेम्परेट फेज. प्रोफेज जीन्स होती हैं ऑब्वियसली वो होस्ट बैक्टीरियम की जीन्स को चेंज कर देती हैं, जैसा क्लोस्ट्रेडियम डिफकॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया है, क्लोस्ट्रेडियम है, इनको हम कैरेट करते हैं प्रोफेज डीएनए के अंदर. ठीक है, बट इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला टाइफी कन्वर्ट्स अ न्यू एंटीजेनिक सरफेस स्ट्रक्चर ऑन द होस्ट विद एक्विजिशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज बाय बैक्टीरिया फॉलोइंग फेज इन्फेक्शन, जैसे हमने पीछे बात की म्यूटेशन आ गई है. ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन रिसेप्टर साइट्स क्या हो गई, चेंज हो गई है, एक न्यू जीन आ गई है साल्मोनेला टाइफी की, टाइफाइड की एक न्यू फॉर्म आ गई है. हम जिसे हम कहते हैं कोविड की, कोविड 19 था, कोविड जो था वो थर्ड वेव आ गई, थर्ड वेव में इसके न्यू एंटीजन आ गई है, सेकंड में वो नहीं थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो फेज कन्वर्जन कहते हैं. ठीक है, उसमें न्यू प्रॉपर्टीज आ गई हैं और उस न्यू प्रॉपर्टीज को उसने कन्फर कर लिया है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, फेज कन्वर्जन है. ठीक है, फेज टाइपिंग, फेज एसे, टेम्परेट फेज. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो मैम. ठीक है, गुड. अच्छा बच्चों, अब निशांत मैंने आपसे पहले बात की है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन वी कैन यूज दैट फेज इन द वैक्सीनेशन. ठीक है, तो वैक्सीनेशन इज आल्सो अ थेरेपी. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फेज थेरेपी, थेरेप्यूटिक यूज कर सकते हैं, डिफरेंट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ह्यूमन मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर में इसका यूज है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में कैन ऑल्सो हेल्पफुल. वी कैन फॉर्म प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड स्पेशल सब्सटेंसेस. And also can be used to remove the pathogens from the waste water and the soil. ठीक है, कि अगर हम फेज को यूज कर लें कि वहाँ पर कोई वाटर, वेस्ट वाटर या मट्टी के अंदर कोई pathogens है, तो ऑब्वियसली वो फेज क्या करेगा, उसको पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करके उसको क्या कर देगा, उसकी क्लीनिंग कर देगा, उसकी जो रेप्लिकेशन सिस्टम है उसको ओवरकम कर लेगा. ठीक है, तो मल्टीपल इसके इंपॉर्टेंस है, थेरेपी में भी है, डेंटिस्ट्री में भी है, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी है, फर्मेंटेशन में भी है, और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है. देन इसमें फाइलोजेनी भी है, कि हम ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली चेंज भी कर सकते हैं, जैसा मैंने वैक्सीन की बात की, हम ऑब्वियसली चेंज करते हैं ना, कि हम एक न्यू थिंग बना रहे हैं, एक न्यू चीज बना रहे हैं, कि हमने उसके जीनोम को ओवरकम कर लिया, हमने उसके जीन्स को ओवरकम कर दिया, उसके प्रोटीन्स को ओवरकम कर दिया, तो वो क्या होता है, फाइलोजेनेटिक चेंजेस आ जाती है. मोलेकुलर फाइलोजेनेटिक्स का मतलब ये कि जो मोलेकुलर डिफरेंसेस आ जाते हैं डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर, एवोल्यूशनरी और रिलेशनशिप को हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देखते हैं क्या है कि अब हम डिफरेंट, हमारी बॉडी में डिफरेंट जीन्स और डिफरेंट जीन्स और फॉर्म डिफरेंट प्रोटीन. ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर एक जीन जो प्रोटीन ए बना रही है, ठीक है, बट वी कैन चेंज बाय द फेज डीएनए, हम उसको चेंज कर देते हैं और सेकंड वो क्या करती है, प्रोटीन बी बना देती है. ठीक है, तो ये क्या उसके मोलेकुलर डिफरेंसेज हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इंसुलिन प्रिपेयर करते हैं, इंसुलिन क्या एक प्रोटीन है, एक अब हम क्यों उसको हम ट्रीटमेंट के तौर पे पेशेंट को देते हैं, तो कहाँ से आती है, वो इसी तरह से आती है कि हम मोलेकुलरी क्या करते हैं, कोई जो फेज है, कोई जो प्लाज्मिड है, कोई बैक्टीरियोफेज है, प्लाज्मिड है, कोई एनिमल है, हम लोग क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन या मोलेकुलर डिफरेंस जीन उसमें इंसर्ट कर देते हैं, उसके उसमें क्या आ जाएगा, मोलेकुलर डिफरेंस चेंज हो जाएगा, और जब उसमें वो जीन इंसर्ट हो जाएगी तो डिजायर्ड प्रोटीन्स जो हमारे पास है वो बन जाएंगे. ठीक है, तो वो बेसिकली इंसुलिन है,
बुक मछली भी अवेलेबल है तो उसको उतना से बना दे। तो ये वही चीज़ है कि इतनी ज़्यादा फाइलोजेनेटिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं यूकेरियोट्स में, आर्किया में, कॉलरा में, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ये सब इस पर डिपेंड करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं कि वायरल डीएनए जो होता है वो यूकेरियोट्स में भी होता है। 2001 में 8% जो ह्यूमन जेनेटिक मटीरियल था उसको रेट्रोवायरस से ट्रैप किया गया था। देन जापान में डिफरेंट स्टडीज की गई हैं कि अदर डीएनए जो होते हैं वो कुछ ह्यूमंस और अदर मैमल्स में जो होता है वो वायरसेस की इन्फेक्शन है उनके डीएनए के अंदर। इस तरह से ये जो वायरसेस हैं उसमें रेप्लीकेट कर सकते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर, और वो शो करते हैं कि वायरस जो है वो रेट्रोवायरस के अलावा कोई और वायरस भी है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टडी थी उसमें यह था कि जस्ट रेट्रोवायरसेस होते हैं, बट जो अदर स्टडीज की गई उसमें यह दिखाया गया कि अदर देन रेट्रोवायरसेस आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन और द मैमल्स जीनोम। देन यूकेरियोटिक जीन्स जो होती हैं इन बैक्टीरियोफेज वायरसेस होती हैं, अदर डोमेन ऑफ लाइफ लेटरल जीन ट्रांसफर, या फिर जो दूसरी स्टडीज हैं उन इन्फेक्ट करते हैं वोल्बेशिया जो होते हैं उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली वोल्बेशिया है क्या, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया जो कि 40% आर्थ्रोपोड्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और इसके अंदर जब हमने जीनोम को हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये मल्टीपल इसमें यूकेरियोट्स जीन है। ठीक है, तो मीन्स कि अगर इसमें यूकेरियोट जीन्स हम तो कहते हैं बैक्टीरिया तो क्या होगा, प्रोकैरियोट होगा। ठीक है, क्योंकि बट जब इसको हमने स्टडी किया तो इसमें 40% क्या थी, ये बच्चों आर्थ्रोपोड्स की जीन्स थी या इसमें यूकेरियोट की जीन्स थी। तो वो ड्राइव्स के कंप्राइज के ये टेक फेज का जीनोम है कि इसको किसी वायरस ने क्या किया हुआ है, इन्फेक्ट किया हुआ है, या फिर इसमें हमने कोई और फर्दर जीनोम या कोई और प्रोटीन जो है वो इंसर्ट की हुई है। ठीक है, इसी तरह से जब कुछ वायरस हमने फर्दर स्टडीज की तो वी नोट दैट कि सम अदर प्रोटीन्स और सम अदर वायरस लाइक एजेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, दीज एजेंट्स आर कॉल्ड द वीरियोट्स एंड द प्रियोन्स। ठीक है, वीरियोट्स मीन्स नो कोड प्रोटीन, नो कोडिंग कैपेसिटी, उनमें कोई कोड प्रोटीन नहीं है, वो कोई प्रोटीन नहीं बना सकते। एंड प्रियोन्स आर द नो न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो व्हाट इज वीरियोट्स एंड द प्रियोन्स, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वीरियोट्स क्या होते हैं। बेसिकली वेरी स्मॉल कोवेलेंटली क्रॉस सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट तौर पे ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, डिजीज को आल्सो कॉज कर सकते हैं। साइज रेंजेस फ्रॉम 250 to 450, नो कोडिंग कैपेसिटी, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, नो बिकॉज दे हैव नॉट दे हैव द पॉलीमरेज और द रेप्लिकेशन एंजाइम। ठीक है, बेसिकली यूज द होस्ट पॉलीमरेज एंजाइम फॉर द रेप्लिकेशन, मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, more than 40 vireoid species and the many variants are characterized. ठीक है, और these classical vireoids are only present in the plants. ठीक है, तो here is the vireoid diseases. ना आप देख सकते हैं कि ये potato है, potato के अंदर जो है potato spindle tuber vireoids भी है। ठीक है, ये ठीक है कुछ curve आ गया उसके अंदर। ठीक है, punch जो है तो ये क्या है, potato spindle tuber vireoid है, इनकी growth जो होती है वो limited। ठीक है, तो फर्स्ट वीरियोट कैरेक्टराइज्ड किसने, मल्टीपल जो हैं वो मेनी वेरिएंट्स जो हैं वो इसके डिस्क्राइब हो चुके हुए हैं। ठीक है, देन सेकंड जो डिजीज है वो सिट्रस एक्सोकोर्टिस वीरियोट है जो कि प्लांट्स में क्या करता है, उनको स्टन कर देता है, उनकी ग्रोथ को, उनकी बार को शेलिंग कर देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्या है ग्रोथ कि उनकी जो रूट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर उनके रूट्स डैमेज हैं तो उनकी यील्ड जो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनको हम रिमूव कर सकते हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स को डिटेक्शन, और या फिर जो हमारे पास स्टॉक है उसको हम इजीली वहां से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फर्दर जो हमारे पास अदर जो है वो वेजिटेबल्स एप्पल की हेल्दी है, ये एप्पल सिंगल फूड वीरियोइड है, ये हेल्दी, ये इन्फेक्टेड है, एवोकाडो सनफ्लावर वीरियोइड, ये सब ऑल आर द इन्फेक्टेड, और सिट्रस एक्सोकोर्टिस वीरियोइड जिसमें पूरे के पूरे प्लांट्स जो ट्रीज होते हैं उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक हेपेटाइटिस डेल्टा, जिस हम आगे डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस को डिटेल में, हेपेटाइटिस डेल्टा जो होते हैं इसकी वीरियोइड लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। आरएनए इज लार्जर इन अनकैप्सुलेटेड एंड इनक्लोज द वीरियोन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है,
इंटेंसिफाइड एक बात क्या रखें बच्चों, अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है तो सेकेंडली उसको एचडीवी का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एचडीवी जो होता है वो सोलली या किसी को हो सकता है इन्फेक्शन हो, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को एचडीवी है तो देन उसको हो सकता है कि एचडीवी का भी इन्फेक्शन हो, तो इसलिए हम वी कैन से डैट कि जो एचडीवी जो होता है उसको हेल्पर वायरस रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा है, एचडीवी है, ठीक है। तो वो रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस में सेलुलर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू से मींस कि वो डीएनए से क्या करता है, आरएनए बनाता है, ठीक है। ये है बच्चों इसका एचडीवी का प्रोडक्ट, वो अपना जीनोम जिसकी प्रोटीन है। देन वो डेल्टा एंटीजन के अंदर आप देख सकते हैं कि उसने उसको जीनोम को इंसर्ट कर देता है और इस तरह से जो हेपेटाइटिस डेल्टा जो है वो पेशेंट में डिजीज कॉज कर देता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई इश्यू? मैम ये सिर्फ प्लांट्स में ही होता है? हाँ जी, ये नहीं हेपेटाइटिस डेल्टा में जो विरियोन्स जो है विरियोन्स जो हमने बात की वो प्लांट्स में होते हैं, जो प्लांट्स में होते हैं तो उनको हम विरियोन्स कहते हैं, बट हम आगे डिस्कस करें प्रियोन्स वो उसको हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में। ओके मैम। ओके, ये अब भी आगे हम वही डिस्कस करने लगे। क्लियर? यस मैम। जी किसी और को कोई प्रॉब्लम बच्चे? स्टार्ट करें आगे। यस मैम। मैम क्योंकि लास्ट पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का, नेक्स्ट जो है एक मिनट बच्चों। अच्छा जी, जो बच्चे मीटिंग अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना बच्चों, कोई फायदा नहीं अब ज्वाइन करने का, ठीक है। अच्छा बच्चों, प्रियोन्स बेसिकली इट्स द टर्म दैट डिस्कवर्ड बाय द प्रिजनर स्टैनले बी। बेसिकली इसने कहा कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि चेंज द प्रोटीन प्रियोन टू द साउंड एरिथमिक, ठीक है। These are the basically misfolded proteins. आपको पता नहीं कि proteins basically composed of four structure, primary, secondary, tertiary and the quaternary, ठीक है। Quaternary structure basically क्या है कि proteins की क्या होती है, folding होती है, okay? Proteins complex होती है और fold बन जाती है, but जो prions हैं इसमें basically क्या होता है कि misfolded proteins होती हैं, ठीक है। ये होती क्या है, basically normal cellular proteins होती हैं that is recognized as the PR, PC, ठीक है। That has misfolded into the pathogenic proteins, but अगर उनको कोई pathogen का infection हो गया या उनमें कोई और nitrogenous bases कम हो गए या further folding में folding proteins में कोई defect आ गए तो वो pathogenic proteins बन सकती हैं, ठीक है। तो normal proteins होती हैं वो क्या होती हैं, cellular proteins को हम PRPC कहते हैं, but it can change into the misfolded pathogenic proteins, ठीक है। Prions are the infectious particles basically composed of the proteins in the they don't contain any detectable nucleic acid. Basically they causes the slow disease, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, transmissible spongiform encephalopathies, क्या होते हैं बच्चों, transmissible spongiform encephalopathies cause करते हैं। basically इसको हम कहते हैं Creutzfeldt-Jakob disease humans में और scrappy कहते हैं किसमें, sheep में, ठीक है। इसे हम आगे डिस्कस करते हैं किस तरह से डिजीज कॉज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, होलो शेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उसमें उसकी वजह से क्या होती है, उनकी प्रोटीन्स प्रॉपर नहीं बन सकती, क्योंकि जब प्रोटीन्स प्रॉपर नहीं बनती हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे होलो शेल्स बन जाते हैं जिसमें ब्रेन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, Creutzfeldt-Jakob disease कहते हैं ह्यूमन में और स्क्रैपी कहते हैं किसमें, शीप में। Basically, it reveals by the electron microscopy rather than the virus particles. Prions are much more resistant to inactivation by the UV light and heat than are the viruses. Okay? Basically, it's highly resistant to the UV light or heat. Ke, inko basically, formaldehyde nucleases can be resistant to them, but we can inactivate it by the using the hypochlorite, sodium hydroxide, and the autoclaving. Okay, basically these are the sterilizers. Okay, sterilizing agents are hypochlorite, sodium hydroxide, autoclaving. Okay, so hypochlorite basically used to sterilize the surgical instruments or other medical supplies that cannot be autoclaved. Clear?
prions are composed of single proteins with glycogen 27 to 30, while scrappy prions as a model it was found in the single cellular gene, or basically kya hote hain, equal numbers mein hoti hain infected or uninfected cells ke andar. Maine aapko bataya ki isme kahan pe problem aata hai, post translation modification mein, theek hai, kyunki proteins to ban jati hain but jab unki folding hoti hai to usme isme issue aa jate hain, theek hai. तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में इसमें इशू आता है और इसमें डिस्टिंक्शन यही होती है प्रोटीन फाउंड इन द इंफेक्टेड एंड द अनइंफेक्टेड सेल. ये प्रियोन्स प्रोटीन इंफेक्टेड और अनइंफेक्टेड सेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं, बट जब उन लोग का कोई पैथोजेनिक इनका इनकाउंटर होता है तो देन ये क्या करती हैं, डिजीज कॉज कर देती हैं. तो यही बात है कि इनमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है वो नॉर्मल अल्फा हेलिकल इसमें चेंज हो जाती है बीटा पेरट शीट में, जिनको हम पी आर पी सी कहते हैं, ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, इनमें अल्फा हेलिकल होता है और इसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं पी आर पी सी से प्रियॉन प्रोटीन सेल, बट जब इनमें कोई कर्व चेंज आता है इनको मिस फोल्डिंग के अंदर देन दीज आर कन्वर्टेड इनटू द बीटा प्लेटलेट शीट, और ये क्या करते हैं पी आर पी एस सी बनाती हैं, ठीक है. जब ये पी आर पी एस सी बन जाएंगी और प्रियॉन प्रोटीन सेक्रेपी होंगे तो देन ये डिजीज कॉज कर देंगे जैकब स्क्रोटल जैकब डिजीज, ठीक है. तब नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो एडिशनल नॉर्मल फॉर्म से चेंज हो जाती है अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और अब नॉर्मल पैथोजेनिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें इंक्रीज कर जाते हैं. बेसिकली ये जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं और इनको इन्फेक्टेड सेल में ये प्रोटीएस एंजाइम के क्या होते हैं रेजिस्टेंट होती हैं, बट हमने ऑब्जर्व किया है कि प्रोटीन्स होती हैं ये नॉर्मली जो होती हैं वो नो इम्यून रिस्पॉन्स इज फॉर्म्ड अगेंस्ट दिस प्रोटीन्स. क्यों, मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली क्या होती हैं, सेल्फ प्रोटीन्स हैं, ठीक है. तो आपको पता है कि जो सेल्फ प्रोटीन्स होती हैं, जो सेल्फ एंटीजन होती हैं, हमारी बॉडी उनके लिए एनकाउंटर नहीं करती, नो इम्यून रिस्पॉन्स, नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन और नो एनी अदर सेल इज एक्टिवेटेड अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है. तो इस तरह के क्योंकि ये हमारी सेल्फ प्रोटीन्स होती हैं तो इनके अगेंस्ट कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता, ना वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ब्रेन टिश्यू के अंदर. तो दैट्स व्हाई कि जब इसमें चेंज आता है तो वहां पे वैक्यूलेटेड स्पॉन्जी फॉर्म अपीयरेंस आते हैं विदाउट द इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जस्ट वहां पे पैचेस बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं, बट हमें कोई भी सेल वहां पे क्लियर नजर नहीं आता. क्यों, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स इज नॉट एक्टिवेटेड. प्रियॉन प्रोटीन्स जो होती हैं वो इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यूज में होती हैं, रॉड शेप पार्टिकल्स होते हैं, हिस्टोकेमिकली इनको हम अमाइलॉइड से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, और बेसिकली इन्फेक्ट करती है ये CNS को, लेकिन अदर ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर सकती है. अच्छा बच्चों, ये है डिफ कंपैरिजन. प्रोटीन पार्टिकल्स कंटेन द न्यूक्लिक एसिड, नो. वायरस द वायरस, यस. प्रोटीन, यस यस. इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय द यूवी लाइट और हीट, नो. व्हाइल द वायरसेस आर, यस. अपीयरेंस इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिलामेंटस रॉड, अमाइड लाइक आइकोसाहेड्रल हेलिकोसिमेट्री. इन्फेक्शन इंड्यूस एंटीबॉडी, नो, क्योंकि कोई इम्यूनिटी नहीं होती तो कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, वाइल वायरसेस से अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं. नो इंड्यूस इन्फ्लेमेशन, वाइल वायरसेस इंड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, ठीक है. तो ये है प्रियॉन डिजीज. ह्यूमन में कुरू हो सकती है, एनिमल्स में स्क्रैपी है, फेटल फेमिलियल इंसोमनिया है, बोफिन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, क्रुट्सफेल जैकब डिजीज है, और यहाँ पे क्रॉनिक ब्लेसन डिजीज है, जो कि बट चीज आर लीस्ट कॉमन डिजीज. आई थिंक इनको बहुत ही बहुत कम डिजीज होती हैं, क्योंकि ये इतना कोई मेजर नहीं है, ठीक है. कि उस नॉर्मली भी हमने कहा है कि जो प्रियॉन प्रोटीन्स बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन समटाइम्स अगर इनको कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाए या फिर और फर्दर चेंजेस आ जाए तो देन ये क्या करती है, इन्फेक्टिव स्टेज में आ जाती है. इनको क्लासिफाई करते हैं हम इन्फेक्शियसनेस वर्डिक में, फैमिलियल में. ऑब्वियसली इन्फेक्शियस जो है वो क्यों है, बी एस सी एस क्रैपी है, जो कि इन्फेक्टिव मटेरियल से क्या करती हैं, स्प्रेड होते हैं या ट्रांसफिगेंस हो सकती हैं. स्पोराडिक भी हैं इजिली और स्प्रेड भी कर सकती हैं, और फैमिलियल भी है कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाएंगे, इसकी जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं उसमें कोई डोमिनेंट म्यूटेशन आ जाए तो ये फैमिलियल पास कर सकती हैं. अच्छा बच्चों, इसका फंक्शन है नेक्स्ट कि इस पी आर पी सी आर द नॉर्मल सेलुलर आइसोफॉर्म, वाइल पी आर पी एस सी इज द स्क्रैपी आइसोफॉर्म, ठीक है. इसका नॉर्मली कोई फंक्शन जो है वो अननोन नहीं है. बेसिकली आयोनिक कॉपर जो होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि सेल की सिग्नलिंग में हेल्प कर सकती हैं. पी आर पी एस सी जो है कन्वेंशनल कन्फर्मेशनल आइसोफॉर्म है, कन्फर्मेशनल चेंज आता है किसमें, पी आर पी सी में, और ये बेसिकली कॉम्पैक्ट होती हैं, एक्युमुलेट कर जाती हैं, प्रोटीज के लिए रेजिस्टेंट होती हैं न्यूरल टिश्यू के अंदर,
और इसमें डिफरेंट सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू द पीआरपीसी बट आइडेंटिकल प्राइमरी सीक्वेंस. ठीक है, प्राइमरी मीन्स जहाँ से जीन्स से उनका ट्रांसलेशन जो हो रही है वो सेम है. बट एरर कहाँ पे आ रहा है? एरर जो उसमें आ रहा है वो आ रहा है जब उसकी फोल्डिंग होती है, जब उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पीआरपीएससी में एबनॉर्मल जो होगा वो डिफरेंट सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होंगे बट आइडेंटिकल सीक्वेंसेस इन द पीआरसी एंड द पीआरपीएससी. ये बच्चों डिफरेंट के क्या डिफरेंट होता है, पीआरपीसी जो नॉट सॉल्युबल होती है बट दीज आर नॉट सॉल्युबल. अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर दे कंटेन द बीटा पीरियड शीट्स. मोनोमेरिक मल्टीमेरिक इन्फेक्टिविटी को अगर हम देखें तो पीआरपीसीज आर नॉन इन्फेक्शियस बट पीएससी आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स. रेजिस्टेंट जो होती हैं प्रोटीन एस्के के लिए वो पीआरपीएससी होती हैं, वाइल जो प्रोटीन एस्के जो होता है वो जो नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं वो इसीलिए उनको डिग्रेड कर देता है. बेसिकली ये क्या है, एंजाइम है. मोनोमेरिक और मल्टीमेरिक का क्या मतलब है? मोनो मीन्स सिंगल, मल्टी मीन्स ज्यादा, कि उनके अंदर जो उसकी ये शीट्स जो बनती हैं अमाइनो एसिड्स की जो वहां पे कंफर्मेशनल जो उनका स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए. ठीक है, कि पीआरपीसी क्या है, सिंगल प्रोटीन बनेगी जो डिजायर्ड प्रोटीन है, मोनोमेरिक एक ही होगी बट जो अनफेक्शियस प्रोटीन है उसमें उसके चेंज डिफरेंट आ गया तो वो मल्टीमेरिक हो सकती है. ठीक है, ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया है कि कहाँ पे एरर आते हैं. एरर आते हैं इसके बायो सिंथेसिस के अंदर. ठीक है, कि क्या था कि इनकी सबसे पहले क्लीवेज है, कार्बोहाइड्रेट कोर है, एसिड फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन डिविजन होती है. तो यहाँ पे आकर जब यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस में इनकी पैकेजिंग होती है तो वहाँ पे आके इसकी सिंथेसिस में कोई ना कोई एरर आ जाता है. ठीक है, तो उसके बाद जो प्रोटीन्स बनते हैं वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं. ये वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पे आती हैं, गोल्जी में आती हैं. गोल्जी के बाद प्रोटीन बन के इतनी प्रोटीन बन जाती है. ठीक है, अगर वो दोबारा से वो एंडोसोम उनको क्या करता है, क्लीव कर देते हैं तो उसके बाद उसकी जो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एबनॉर्मल फॉर्म बन रही है. ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या ये क्या है, पीआरपी है, और हम कह सकते हैं ये क्या है, पीआरपीएससी है. ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि जो पीआरपी प्रोटीन्स जो होती हैं वो जब फर्दर उनकी क्लीवेज हो जाती है इसमें वो पीआरपीएससी में चेंज हो जाती है. ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू किसी को? नो मैम. मैम मैंने एक चीज आपसे पूछनी थी. मैं एक बहुत पहले बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था प्रियॉन्स के ऊपर ना, तो उसमें एक इलाका था जिसके बीच में ना लोग जो है वो जब उनके मतलब लोग मर जाते थे या कुछ तो वो उसका ब्रेन खाते थे तो प्रियॉन्स जो उनके बीच में आ जाते थे. तो प्रियॉन्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि उसमें था कि वो नहीं होते डिस्ट्रॉय और उनके मतलब ब्रेन का स्ट्रक्चर. सॉरी, क्या डिस्ट्रॉय? प्रियॉन्स प्रियॉन्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते. नहीं बच्चों, तो हमने कहा रेजिस्टेंट है ना बच्चों, ये हीट से भी रेजिस्टेंट है, किसी भी तरह से नहीं हो सकते. नहीं, ये यूवी रेजिस्टेंट भी. अब जो चीज यूवी से भी रेजिस्टेंट है तो कैसे आपने करना, ना वो एंजाइम से डिग्रेड होती है जैसे प्रोटीन इसके या प्रोटीएज है. भाई आपको पता है कि जो हमारी अदर एंजाइम्स अदर प्रोटीन्स हैं आस्ते आस्ते वो डिग्रेड होने लग जाती हैं, लेकिन ये तो रेजिस्टेंट है. जैसे वायरस जो है उसको हम हीट करते हैं तो वो डिग्रेड हो जाता है. और एयर सबसे जो ज्यादा जो डेंजरस होता है वो यूवी लाइट होती है. ठीक है, यस मैम, क्लियर है? यस मैम जी. क्लास कोई और प्रॉब्लम, कोई और इश्यू किसी को? मैम जो आपने इनकॉर्पोरेशन की बात की थी कि जो वायरस जो होता है बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेशन होती है, तो जब हम लोग किसी चीज की वैक्सीन बनाते हैं या कुछ भी होता है तो इससे तो नई स्पीशीज भी तो बन सकती हैं और वो फिर इन्फेक्ट कर सकती हैं, वो हमें इन्फेक्ट भी कर सकती हैं. तो फिर ये तो इसका तो नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है ना हमारे ऊपर, और कोई न्यू स्पीशी तो बना के मतलब डिजीजेस फैला दे और फिर उसके खिलाफ जो है वैक्सीन बना के बेचे. हम खुद तो स्पीशीज कभी नहीं बनाते. अब जिस तरह न्यू कोविड को ले लें, उसे कितनी आ गई है स्ट्रेन्स, कैसे आती हैं?
वो लेकिन कहते हैं कि जैसे वो तो बायो वॉर का कहते हैं ना कि मतलब ऑर्गेनिज्म नए बना के तो फिर उसके खिलाफ वैक्सीन कहते भेजते ही हैं। हैं वो तो है, लेकिन वो उसे बायोवार में आता है, लेकिन अभी तक ऐसा है नहीं। लेकिन कहते हैं कि जी अमेरिका ये यूएस वाले इसमें कर रहे हैं, कुछ ऐसे न्यू स्ट्रेन बना रहे हैं कि जिसके थ्रू वो अदर जो वर्ल्ड है उसको वो इस तरह से इन्फेक्ट करेंगे, तो इस तरह से हो जाता है नो डाउट। ओके ठीक है जी, और किसी को कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन? मुझे लेक्चर आपने क्लासेस हो रही है स्टार्ट यूनिवर्सिटी में, कब से स्टार्ट हो रही है आपकी यूनिवर्सिटी? मैम अभी तक मैम ईमेल पता नहीं आई आपको? नहीं, आपको जो जो नो मैम। हमारी वो हैं एडवाइजर हैं, उन्होंने मैम मारिया मुस्तफा, उन्होंने कहा है कि वो एक आई भी थी, किसी लड़की ने शायद पोस्ट की भी थी कि सैटरडे को पता लगे कहा कि है कब है, तो उसके मुताबिक सही। ईमेल आएगी। और हाँ मैम जी, तो मेरी कब भी आपको? फ्रेंड ने रजिस्ट्रार को मेल की थी, तो उन्होंने कहा था कि हो जाएगी मंडे से शुरू यूनिवर्सिटी। हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबल के हो जाए मंडे से, लेट्स सी। ठीक है बच्चों, ओके फिर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।